हमने अल्लाह के फज़ल और अहसान के साथ पहली नशस्त में हजरत सैदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तब की शान में रसोल्ला की अहादी से सियाँ पेश की थीं और आज की इस दूसरी नशस्त में भी हम अल्लाह के फजल और अहसान के साथ रसोल्ला वसलम आपकी अहादीस मुबारक हजरत अमीर मुआविया की शान में पेश करेंगे तो इस सिलसिला में मैं जो सबसे पहली हदीस पेश करना चाहता हूँ ये मेरे हाथ में सही अबिन ख़ुजैमा है जिसके लिखने वाले इमाम इब्ने खुजैमा हैं और ये बेरूत लब्नान की छबि हुई है और जिल्द नंबर दो है हदीस का नंबर 930 है हजरत ते अरबाद बिन सारिया रसूलुल्लाह से रिवायत फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लमुआवियत القيتابة والحساب وقيح العذاب रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मुआविया को किताब का अता फरमा हिसाब का इलम अता फरमा और इसे अजाब से महफूज फरमा रसूलुल्लाह हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमा रहे हैं और यह हदीस मुबारक इमाम इब्ने खुजैमा के नज़दीक सही है क्योंकि आपने अपनी इस किताब में सिर्फ वही अहदीस दर्ज की हैं जो आपके नज़दीक सही हैं तो सामीन मैं इस हदीस की तसीह के मुतल अकवाल महदसिन मजीद आपके सामने पेश कर देता हूँ ये मेरे हाथ में किताब मवारदुमान है और ये सही इबन हिबान की तलखीस है इसी हदीस मुबारका को इमाम इबन हिबान आल ने अपनी सही में नकल किया और ये हदीस आपके नज़दीक भी सही है और आपकी इस तसी को इमाम हैसमी रहमत ने अपनी किताब मवारदुान में बरकरार रखा तो ये हदीस मुबारक दो जलील इमाम इमाम इबन हिबान और इमाम हैसमी आप दोनों इमामों के नज़दीक ये हदीस मुबारक सही है तो इससे आगे ये मेरे हाथ में सियामबला है हाफि जहाबी रहमत आलै की इसकी ज़िल्द नंबर चार है और ये इल्मिया की मतबूा है और इस किताब के सफा नंबर छियासठ पर हाफि जहाबी रहमत आपने रसूलुल्लाह की अदीस मुबारक नक़ल फरमाई हजरत अमीर मुआविया की शान में जिन अदीस में ये हदीस भी आपने नकल फरमाई और नकल फरमाने के बाद हाफि जहाबी रहमत इर्शाद फरमाते हैं फहाज ही अदीस मकारब इर्शाद फरमाते हैं कि जितनी अदीस नकल की गई है इन तमाम अदीस की इस्नात जो है वो सही हैं तो पता चला हाफि जहाबी रहमत आपके नज़दीक भी ये हदीस सही है इससे आगे ये मेरे हाथ में अलबिदाया है और इसकी जिल्द नंबर आठ है और यह बैरूत लबनान की मतबूा है इस किताब के सफा नंबर पांच सौ सत्रह पर इमाम दमिश की रहमत ने रसूलुल्लाह की अहदीस नकल फरमाई और उन्हीं अहदीस में जो मैंने हदीस आपके सामने पेश की ये हदीस भी नकल फरमाने के बाद हाफिज हा, इबन कसीर दमिश की फरमाते हैं वक्त फैन और फरमाते हैं कि जो अहदीस ऊपर नकल की गई हैं जिनमें यह हदीस मुबारक भी है फरमाते हैं कि यह हदीस जो है यह सही है पता चला ये हदीस मुबारक हाफिज इबन कसी दमिश नजदीक भी सही है इसी किताब के सफर नंबर पाँच सौ सत्रह पर हाफिज इबन कसीर दमिश ने जलील कदर इमाम इमाम इबन अल्ला आपका कौल भी नकल फरमाते हैं फरमाते हैं वह असाव या फी फाविया इमाम इबन असाकर फरमाते हदीस जो नकल की गई है और जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की उसके इमाम इबन असाकर हैं वह असाव अफी फदल मुआविया कहते हैं कि ये रिवायात जस हैं, हैं जो कि हजरत अमीर मुआविया की फजीलत में रिवायत की गई है तो सामीन ये तो था हाफिज इबन कसीर और इमाम इबन असाकर के हवाले से इससे आगे आइए ये मेरे हाथ में मिर्जा मोहम्मद अल इंजीनियर की पसंदीदा शख्सियत जिनका तस्करा मैं पहली नशिस्त में भी आपके सामने कर चुका हूँ अलामा अलबानी आपने भी इसी हदीस मुबारक को अपनी किताब सिलसिला हदीस की जिल्द नंबर पांच और हदीस का नंबर है चौंतीस सौ नौ आपने इसी हदीस मुबारक को नकल किया नकल करने के बाद कहते हैं कि ये हदीस सही है और अलामा अलबानी जो कि मिर्जा साहब जिनको अपने इन रिसर्च पेपरों में अशेख भी लिखते हैं और मुहद सऊदी अरब भी लिखते हैं और जगह जगह पर इनके हवाला जात को आप नकल करते हैं मिर्जा साहब अपने इन रिसर्च पेपरों में तो वो अलामा अलबानी जिन पर मिर्जा अहतमाद करता है उनके हवाला जात भी लिखता है उनको अशेख भी कहता है मुहदस सऊदी अरब भी कहता है वो भी इसी हदीस मुबारक को लिखने के बाद उसे सही कह रहे हैं तो इससे आगे आइए सामीन ये मेरे हाथ में मिर्जा साहब के उस्ताद की किताब है फ़जायल साहबा हाफिज जुबैर अली ुबैरई साहब हाफिज जुबैर अली इन्हीं रिसर्च जुबैरों में मिर्जा ने जिन्हें मुहद से पाको हिंद लिखा है कहता है कि हाफिज जुबैर अली से पाको हिंद हैं और अश्चेख, अश्चेख के अलकाबाद से नवाजता है वो हाफिज जुबैर अली जई साहब अपनी इस किताब के सफा नंबर एक सौ अट्ठाईस पर किसी हदीस मुबारक को नकल करते हैं नकल करने के बाद कहते हैं वह सन हसन कहते हैं कि इस हदीस मुबारक की सनत क्या है

ये मेरे हाथ में किताब अशरिया है जिसके लिखने वाले अलाम इमाम आजुरी रहमत हैं और अपनी इस किताब में हदीस का नंबर है उन्नीस इमाम आजुरी रहमत नकल फरमाते हैं और रसोल वीजरत मसलमा बिन मुखलत रसोल्ला से रिवायत करते हैं रसोल्ला ने इर्शाद फरमायावियत व मकन लहू फिल बिला वकीह अल अजाबा रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म عطا फरमा और इसे जमीन में हुकूमत عطا फरमा और उसे अजाब से बचा ये थी दूसरी हदीस मुबारका जिसे इमाम आज़ुरी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अशरिया में नकल किया और इसी हदीस मुबारका को हाफज ज़हबी रहमतुल्लाह अपनी किताब सीर وعलामेन नुबला के सफा नंबर 66 पर फरमाते हैं कि यह हदीस क्या है इसकी इस इस हदीस की इसनात जो है सनत जो है इस हदीस की वो सही है इससे आगे इमाम इब्ने कसीर दमिश की रहमत निहाया के सफ़र नंबर पाँच सौ सत्रह और जिल्द नंबर आठ पर कहते हैं कि ये हदीस क्या है सही है इससे आगे इसी हदीस मुबारक को अलामा अलबानी आपने सिलसिला अदीस सिया में नकल किया नकल करने के बाद कहते हैं कि यह हदीस सही है तो सामीन ये थी दूसरी हदीस मुबारक जो मैंने आपके सामने पेश की जो रसूलुल्लाह ने दुआ की हजरत अमीर मुआविया के लिए अल्लाह को फरमात अता फरमा तो मेरे हाथ में किताब है इस बात इल्मिया की मतबूा है और लिखने वाले इमाम हैं तो इमाम कुरतबी जो कि जलीलुल कदर इमाम है आप रसोल वसल्लम आपने जो दुआ की हजरत अमीर मुआविया के लिए

और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत अता फरमाई तो देखें रसूलुल्लाह की हदीस सही है जिसमें रसूलुल्लाह ने दुआ की और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्ला वसल्लम आपकी दुआ को किस तरह कबूल फरमाया और हजरत मुआविया को खिलाफत से नवाजा तो सामीन मैं ये कहना चाहूंगा मिर्जा साहब को कि मैंने इमाम करतबी के हवाला से यह साबित किया है कि इमाम करतबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत अमीर मुआविया के हक में रसूलुल्लाह की दुआ को कबूल किया है तो इन तमाम मुहदसिन के सामने इमाम इबन कसीर दमिशकी हैं हाफिज जहाबी हैं और इमाम इबन असाकर हैं इमाम हैं है, इमाम इबन हुजैमा हैं इमाम करतबी हैं इन तमाम मुहदसिन के सामने मिर्जा साहब आप तो शायद ही कोई नहीं है और रहा इमामबी इमामबी के सामने तो कुछ भी नहीं है जो कि रसोल्ला की दुआ का असर इर्शाद फरमाते हैं कि अल्लाह रबालमी ने रसोल्ला की दुआ को कबूल किया और आपको तो खिलाफ से नवाजा आइए अब तीसरी रिवायत की तरफ ये मेरे हाथ में किताब मजमो जवायद है लिखने वाले इमाम हैसमी रहमत है। दारुल कुतुबुल इल्मिया की मतलू है और हदीस का नंबर पंद्रह हज़ार नौ सौ चौबीस है वह अब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रसूल सल्हुस आपके सामने बैठ कर वही की किताबत किया करते थे और इमाम हैसमी रहमत फरमाते हैं रवाहु तबरानी हु के इसे से इमाम तबरानी ने रिवायत किया और इमाम हैसमी फरमाते हैं व इसनाद हु हसन इसकी इसनाद क्या है हसन है तो मौज साम देखिए कि किस कदर शान की बात है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमा रहे हैं मुआविया, की निगाहों के सामने रसूल के सामने बैठकर वही की किताबत किया करते थे अब मैं ये पूछना चाहूंगा जिससे रसुल्लाम वही की किताबत करवाएं और उसे अपने सामने बिठाएं उस शख्सियत को अल्लाह ने किस कदर शान और शौकत से नवाजा होगा और अगर आज का कोई इलमी किताबी झूठा

तो आइए इस सवाल का जवाब भी मैं मुहदसिन कराम की जुबानी आपके सामने पेश कर देता हूँ ये मेरे हाथ में किताब नबी है जिसके लिखने वाले इमाम अब्दुल गनी अलमकदी अलमतवा छः सौ हिजरी हैं और यह किताब इस्तंबोल तुर्की की मतबूा है इस किताब में हजरत अब्दुल ग़नी अलमकदसी रमत ने तमाम का तबीन वही का जिक्र किया जिक्र करने के बाद फरमाते हैं वाना मुआवत अबी सुफियाना वैद उबन साबित फरमाते हैं जहां आपने तमाम कातबीन वही का जिक्र किया वहां पर हजरत जैद बिन साबित और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये दो शख्सियात सबसे ज्यादा खास सी और इन्होंने सबसे ज्यादा वही की किताबत की रसूलुल्लाह के खास कातबीन वही में से हैं और सबसे ज्यादा वही की किताबत करने वाले हैं तो सामीन मुह, मुहदसिन के राम तो यह फरमाए कि सबसे ज्यादा किताबत करने वाले हैं और आज का कोई शख्स उठकर अपनी जहालत को वाजे करते हुए यह कहे कि उन्होंने कितनी किताबत की होगी कितना कुरान लिखा होगा तो मैंने इस बात का जवाब भी मुहदसिन के राम की जबान या आपकी समातों की नजर किया तो सामीन ये थी रसूल की अहदी से सही जो मैंने हजरत अमीर तान में पेश की और आपकी शान आपकी शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहदी से सहिया से जो मैंने आपके सामने पेश की अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन अहदी से मुबारक को सामने रखते हुए साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करने की और उनसे मोहब्बत करने की तोफ़ी अता फरमाए वमा अलैया इल्लल बलाग